हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो होएगा एल्केन्स के ऊपर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पहले एल्केन्स होते क्या हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे मीथेन कैसे हम लोग प्रिपेयर करेंगे, कहाँ पे मीथेन मिलता है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। पर उससे पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के पेज को जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी को फॉलो करना ना भूलें। अब पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर एल्केन्स होते क्या हैं, कि हम लोग एल्केन्स, व्हाट आर एल्केन्स, ये आपका अगर क्वेश्चन आता है कभी कभार आईएससी में, तो ये 2 से 4 मार्क्स का आ सकता है। तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना, ये डेफिनेशन लिखनी है कि एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स, ये एस दो बार आ गया, एल्केन्स आर हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द लिंकेज बिटवीन द कार्बन एटम आर कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दीज कंपाउंड्स आर सैचुरेटेड। कौन से ये कंपाउंड्स होते हैं एल्केन? सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, मतलब कि इनको रिएक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, ये खाली सिंगल बॉन्ड होते हैं। और हम लोग एल्केन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूले से CnH2n+2, इस तरह से हम लोग इसको करेंगे रिप्रेजेंट। ये अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ले मीथेन, तो मीथेन का हमारा मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होएगा, अगर सी की एन इक्वल्स टू 1 है तो एच क्या हो जाएगा, 1 × 2 + 2, कितना हो गया 4, तो ये सी एच 4 हो जाएगा। अगर हम लोग इथेन की बात करें, एग्जाम्पल दूसरा ले लें जिसमें हम लोग एन इक्वल्स टू 2 कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, C2H6। क्यों? क्योंकि 2n + 2 होता है, तो 2 × 2 + 6, तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 + 2 विच इज इक्वल टू 6। तो ऐसे हम लोग अपने एल्केन्स को नेमिंग देते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये कह सकते हैं कि एल्केन्स आर ऑल्सो कॉल्ड पैराफिन्स बिकॉज दे आर पैराफिन्स। पहले मैं लिख दूँ द स्पेलिंग ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एल्केन्स आर नोन एज पैराफिन्स बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव, मतलब ये रिएक्ट नहीं करते, कहाँ पे, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका आ जाता है आईएससी में, अगर आप 10 ईयर्स देखेंगे तो ये अराउंड 6 टाइम्स पूछा जा चुका है 2 मार्क्स का, कि वाई एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो इसका क्या आंसर होएगा, बिकॉज दे आर अनरिएक्टिव इन ऑर्डिनरी कंडीशंस। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मीथेन की अक्रेंस कहाँ पे होती है, मतलब हमें मीथेन कहाँ कहाँ मिलती है। पर उससे पहले मीथेन का हम एक और नाम दे सकते हैं, मार्श गैस। इसको मार्श गैस कैसे कहते हैं, क्योंकि ये फॉर्म्ड होती है एट द बॉटम ऑफ द मार्शेस ड्यू टू द फर्मेंटेशन ऑफ सेलुलोज बाय अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया। मतलब इसका ये है कि ये जो मार्शेस होते हैं उसके बॉटम, मार्शेस एक केमिकल होता है, उसके बॉटम में मिलती है, कैसे, जब फर्मेंटेशन होता है, किसका फर्मेंटेशन होता है, सेलुलोज का। ओके, और वो भी स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया से, कि मतलब ये नहीं कि नॉर्मल बैक्टीरिया, एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया जब फर्मेंटेशन करेगा सेलुलोज का, तो मार्शेस के बॉटम में क्या मिलेगी, मार्श गैस, विच इज ऑल्सो नोन एज मीथेन। तो हम लोग मीथेन का नेक्स्ट नेम क्या कहेंगे, मार्श गैस। दूसरा, मीथेन कहाँ पे मिलती है, एनिमल्स में जो एयर एक्सहेल्ड करते हैं, मतलब एक्सहेल्ड एयर बाय एनिमल्स, उसमें आपको मिल जाएगी मीथेन। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कैविटीज इन कोल कंटेन 90% मीथेन, मतलब जो कैविटीज मतलब होती हैं कोल में, तो इसको इन कोल दे ऑल्सो कंटेन 90% मीथेन, तो इसलिए हम लोग क्या कहेंगे इसे, फायर डैम्प कहते हैं इन्हें। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। अगर स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन लिखने को आएगा आपको, और ये आईएससी में नॉर्मली आ जाता है 5 मार्क्स का आईसीएसई एग्जामिनेशन में, तो आपको ये 2 कीवर्ड्स तो लिखने ही लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, कि मीथेन इज अ 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने पूरी पेज भर दिया, आपने पूरा पेज कर दिया कि लिख दिया कि ये मीथेन होता है, इसके 4 FO, इट कंटेन्स 4 H, और इसमें खाली इतना ये होता है, ऐसे नहीं। जब तक आप 3 डायमेंशनल का वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, ये वाला फेज यूज़ नहीं करेंगे, यू विल नेवर गेट मार्क्स।
तो ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, और इसकी शेप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल इन शेप। ये दो फेस आपको याद करने हैं अगर मीथेन का, अगर कभी भी आपको स्ट्रक्चर या डिफाइंड मीथेन में आया तो आपको बताना पड़ेगा। मीथेन इज अ थ्री डायमेंशनल मॉलिक्यूल विच हैज टेट्राहेड्रल इन शेप। ओके, अब हम लोग बात करते हैं मीथेन का, अगर डायग्राम बनाने को आएगा तो ये आएगा। इसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि बॉन्ड एंगल मतलब होता है कि सी दो एच के बीच का एंगल कितना है। ये तो इसको हम लिखेंगे 0101 109.5 डिग्री, मतलब हमारा बॉन्ड एंगल कितना होएगा 109.5 डिग्री। इसको आप एग्जैक्ट ही लिखेंगे, नो राउंड फिगर्स नथिंग। और बॉन्ड लेंथ मतलब एक सी से लेके एच तक की, सी से लेके एच तक की ये बॉन्ड लेंथ कितनी होती है, तो ये भी आपको मेंशन करनी जरूरी होती है। अगर कभी कभार नहीं होता तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आ जाता है। तो 108.70 PM, डोंट फॉरगेट टू राइट द यूनिट्स, यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब अगर आया मीथेन का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है। एक्चुअली आपने देखा है इधर भी एच है और इधर भी एच, और ये भी, ये सेम टाइप के आपने देखे कि कार्बन एटम बीच में है और सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एच एच एच, ये सब एक जैसे हैं, सेम टाइप है। और हमने पढ़ा है सेम टाइप जो होते हैं मतलब सेम टाइप के इलेक्ट्रॉन्स रिपेल करेंगे, क्यों, क्योंकि सिमिलर चार्ज ऑलवेज रिपेल। तो एच पे भी सेम चार्ज है और इधर इस पे भी सेम चार्ज, प्लस प्लस प्लस, और इधर भी प्लस। तो हमने देखा कि चार प्लस हैं तो ये क्या करेंगे, सेम टाइप के हो गए तो ये क्या करेंगे, आपस में रिपेल मतलब एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करेंगे। इसलिए ये जो होता है इसका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होती है, और इसलिए हम लोग इसको टेट्राहेड्रन कहते हैं। तो अगर आपको आंसर में लिखने को आए कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और दैट टू इन इंग्लिश, आपको कैसे करना है, द मीथेन मॉलिक्यूल इज थ्री डायमेंशनल, द फोर इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन मूव एज फार apart from each other as possible because electrons repel each other. It is the fact that the electrons will have the greatest distance between themselves when the carbon hydrogen bond are in the shape of tetrahedron. इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड बनता है मीथेन में वो टेट्राहेड्रन शेप में बनता है, और इसका बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ सबसे मैक्सिमम होती है। होप ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन कैसे होती है या लैब प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। ये तो मस्ट आज क्वेश्चन है, ये डेफिनेटली हर ऑल्टरनेट ईयर आता है। अगर कभी मीथेन नहीं आता तो इथेन आ जाता है, तो या फिर इथेन आएगा तो उसके नेक्स्ट ईयर मीथेन आएगा, ये फॉर श्योर क्वेश्चन है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, इसको ध्यान से करेंगे हम। सबसे पहले व्हाट आर द रिएक्टेंट्स यूज्ड इन लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, हम ये बात करेंगे। आप इसमें लिखेंगे सोडियम इथोनेट एंड सोडियम लाइम, ये दोनों यूज होते हैं प्रिपरेशन ऑफ मीथेन में। हम लोग इसको बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली हमें खाली प्रिपरेशन याद करनी है कि किस तरह से रिएक्शन होगा और प्रोसीजर क्या होगा और रिएक्टेंट्स क्या होंगे, यही खाली आपके आईएससी के सिलेबस में है। ठीक है, ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा डेफिनेटली, और ये डायग्राम भी अपने आप में 3 मार्क्स कैरी करेगा, और यही अपनी पूरी स्टोरी बताएगा कि किस तरह से मीथेन बनता है। तो आपने देखा सोडियम एसीटेट, हाँ सोडियम इथेनॉइड का नेक्स्ट नेम या कोई दूसरा नेम होता है सोडियम एसीटेट, तो आप कंफ्यूज ना हो कि डायग्राम में मैंने एसीटेट लिखा है और इधर इथोनेट लिखा है, इथोनेट का दूसरा नाम एसीटेट होता है। ठीक है, तो हमने सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को इधर डिलीवरी ट्यूब, इसको हम लोग कहते हैं डिलीवरी ट्यूब में रख दिया। उसके बाद क्या करा हमने, यहाँ पे रखने के बाद हमने नीचे बर्नर से इसमें हीट प्रोवाइड करी, जैसी हीट प्रोवाइड होगी ये आपस में रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करने के बाद ये इस फनल ट्यूब से निकल के वाटर में जाएंगे, और जैसे ये वाटर में जाएंगे वाटर इसमें धीरे धीरे क्या बनने, मीथेन बननी शुरू हो जाएगी, और जैसे मीथेन बनेगी वाटर को ये डिस्प्लेस कर देगी डाउनवर्ड, मतलब वाटर नीचे आ जाएगा और इसमें ऊपर ये जो होगी मीथेन हो जाएगी कलेक्ट। तो इसको कैसे हम लोग कहेंगे, अ मिक्सचर ऑफ सोडियम इथोनेट या फिर सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम इज टेकन इन अ हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब या डिलीवरी ट्यूब एंड हीटेड इन द बंसन फर्मर या फिर टेस्ट ट्यूब बर्नर, कुछ भी कह सकते हैं आप। तो इसमें हमें खाली इतना लिखना है, ये प्रोसीजर रहेगा और साथ ही में कलेक्शन आएगा, द गैस इन्वॉल्व्ड इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर।
सिंस इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, लाइटर देन गैस. अगर किसी ने पूछा कि मीथेन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से ही क्यों कलेक्ट होती है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ये कीवर्ड बहुत जरूरी है. अगर आपने ये नहीं देखा तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा. डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, ये वाला आपको लिखना ही पड़ेगा प्रिपरेशन में. क्यों? क्योंकि जो मीथेन है वो सॉल्युबल स्लाइटली, बहुत कम स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर होती है, इन वाटर, और साथ ही साथ ये लाइट होती है. किससे? एयर से. इट इज लाइटर देन एयर, ये इसका रीजन रहेगा. हम लोग फिर इसको कैसे लिखेंगे? द इवॉल्व्ड गैस इज कलेक्टेड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर सिंस इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड इज लाइटर देन एयर. तो इसका ये आपका आंसर रहेगा प्रिपरेशन के प्रोसीजर, प्रिपरेशन में. ठीक है, प्रोसीजर मैंने बता दिया है कि वी हैव टू कीप द सोडियम एसिटेट एंड सोडा लाइम इन द बर्नर इन द टेस्ट ट्यूब एंड वी हैव टू प्रोवाइड द हीट बाय यूजिंग द बंसन बर्नर और अ नॉर्मल टेस्ट ट्यूब बर्नर, जिसमें से जो गैस इवॉल्व होगी वो हम लोग इसमें कलेक्ट कर लेंगे. एंड द कलेक्टेड गैस इज बीन प्रोड्यूस और बीन प्रिपेयर्ड बाय द डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर बिकॉज इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर एंड लाइटर देन एयर. और ये जो गैस है उसको हम क्या बनाएंगे, बोलेंगे मीथेन. ठीक है, अगर आया रिएक्शन, गिव द रिएक्शन. रिएक्शन डेफिनेटली आपको लिखना ही पड़ेगा. रिएक्शन में आप लोग लिखेंगे सोडियम एसिटेट का फॉर्मूला CH3COONa+NaOH, और किसकी प्रेजेंस में? CaO एज अ कैटलिस्ट, और कितना टेम्परेचर? 300 डिग्री सेल्सियस में. तो आपका इधर बनेगा डायरेक्टली Na2CO3, ठीक है, और प्लस CH4. ठीक है, ये आपकी, फिर ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वाटर का और मीथेन ऊपर जा रही, तो मीथेन को हमने ऊपर एरो बना दिया है. ये आपका रिएक्शन रहेगा. तो इन शॉर्ट आपको किस तरह से लिखना है, पहले आपको लिखना पड़ेगा क्या रहेगा आपका रिएक्टेंट, सेकेंड आपको लिखना पड़ेगा क्या, और इसका हम लोग लिखेंगे कि कैसे प्रिपरेशन हुई थी. कि मतलब आप बताएंगे कि हमने सोडियम एसिटेट को लिया था और उसके बाद फिर हमने क्या क्या और आगे करा था डिलीवरी टेस्ट ट्यूब वाला में. फिर दूसरा हम लोग लिखेंगे कि इसका कैसे हमने प्रोसीजर, मतलब प्रोसीजर कैसे गैस बनी, उसके बाद हीट हुई, डिलीवरी ट्यूब से पास होकर वाटर में आई, वाटर में वो स्लाइटली सॉल्युबल होती है और लाइटर देन एयर होती है, तो इसलिए बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर मीथेन हैज बीन कलेक्टेड. ठीक है, ये आपका डेफिनेटली 5 मार्क का आएगा ही आएगा. अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है. ये कभी कभार 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो इसलिए आप एक बार याद कर लीजिए कि सबसे बड़ी प्रॉपर्टी होती है कि इट इज कलरलेस, और उसके बाद साथ ही साथ ऑर्डरलेस होती है, मतलब कोई इसकी ना बदबू ना खुशबू होती है. ओके, नेक्स्ट इसका हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है. मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है -183 डिग्री सेल्सियस, और अगर बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट होता है -162 डिग्री सेल्सियस, और साथ ही साथ इट इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स. मतलब ये सॉल्युबल है किसमें? ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स कर सकते हैं हम लोग इसे. ठीक है, ये हमारे कुछ रहेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज. आपकी 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. अगर 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो आप ये 4 एग्जैक्टली लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लंबा इसका क्वेश्चन नहीं जाता. ओके, सो दिस वॉज द इंटायर थिंग अबाउट मीथेन रिगार्डिंग इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, हाउ इट इज प्रिपेयर्ड. हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मीथेन की. ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहेगा और ये काफ़ी पूछा जाता है. टिल देन स्टे ट्यून. And if you like the video, subscribe to our channel, hit the like button, share the videos with your friend, and don't forget to join us on Instagram. Thank you for watching the video.